तो सबको राइफल बंदूक फ्री कर देंगे लाइसेंस, ताकि कोई आदमी टाइम करने का। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बिहार के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पे लाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अद्भुत फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार बनी तो सबको राइफल, रिवॉल्वर और बंदूक का लाइसेंस फ्री कर दिया जाएगा। मंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया कि पैसे नहीं हो तो जमीन बेचकर बंदूक खरीदो। दरअसल बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 में होने वाले हैं, लेकिन पार्टी अभी से ही अपने पक्ष में वोट बैंक तैयार करने में जुट गई है। इसी बीच शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि राज्य में अपनी सरकार बनवाने के लिए बिहार की जनता और खासकर कुशवाहा समाज को अब तक का एक्सक्लूसिव आश्वासन दिया है। नागमणि ने कहा है कि जिस दिन बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन सभी लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम बना दिया जाएगा। इसके लिए हर उस व्यक्ति को राइफल, रिवॉल्वर या बंदूक का लाइसेंस दे दिया जाएगा जिसकी इच्छा रखते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान नागमणि ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ अक्सर हत्याएं होती रहती है। इतना ही नहीं, कुशवाहा समाज को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हत्या इसी समाज के लोगों की हुई है। जो भी कुशवाहा बिरादरी से उभरता हुआ नेता सामने आता है उसे मार दिया जाता है। पिछले साल में 50 से ज्यादा कुशवाहा नेताओं की हत्या की गई है। इसलिए आवश्यक है कि हर एक कुशवाहा के घर में राइफल या बंदूक होना जरूरी है। अगर पैसे नहीं है तो खेत बेचकर ही सही, लेकिन राइफल अवश्य खरीदे। देखिए, अमेरिका में आप जाइए, राइफल बंदूक फ्री है लाइसेंस, और वहाँ कोई क्राइम नहीं होता है। हर आदमी के हाथ में राइफल है। अगर आपके हाथ में राइफल होगा, मेरे हाथ में राइफल होगा, तो ना आप डर से गोली चलाएंगे, ना मैं गोली चलाऊंगा। सबसे ज्यादा बिहार में हमारा कुशवाहा समाज का हत्या हुआ है। जो भी उभरता हुआ हमारा, चाहे प्रखंड का नेता हो चाहे जिला का नेता हो, उसकी हत्या हो रही है। तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये सरकार पर और प्रशासन पर आप विश्वास मत करिए, अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। कानून कहाँ है भाई? राइफल मेरे पास, मेरे घर में 4 राइफल है। मतलब मेरे घर में चार राइफल, तो मैं गोली मारते चल रहा हूँ? अपना सुरक्षा की बात मैं कर रहा हूँ ना। राइफल लाइसेंस ही लेना, कोई क्राइम करने की बात नहीं ना है। राइफल लाइसेंस ही जब होगा, दुश्मन ऑटोमेटिक उस पर अटैक नहीं करेगा। कुशवाहा का गढ़ है पटना सिटी, और वहाँ दिन दहाड़े उसकी हत्या हुई है। और मैंने पहले भी कहा था, आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि कुशवाहा समाज से अपील करना चाहता हूँ कि आप अगर जरूरत हो तो जमीन बेचो, लेकिन राइफल जरूर खरीदो। क्योंकि जब तक राइफल लाइसेंसी नहीं खरीदा जाएगा, तब तक कुशवाहा समाज का इज्जत प्रतिष्ठा बचना मुश्किल होगा। ये मैं कल भी इस बात को कहा हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये दावा भी किया है कि उनके घर में 4 राइफल है, इसी वजह से कोई उनकी ओर झांकने की जरूरत नहीं करता। यही नहीं, नागमणि ने अभी कहा है कि उनके इस फॉर्मूले को देश भर में लागू किया जाए। उन्होंने वादा किया कि बिहार में और देश में जहां भी उनकी सरकार का कार्यक्षेत्र बनेगा, वहां इसे लागू किया जाएगा। इस सवाल के जवाब में नागमणि ने कहा कि यह सुविधा सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों को दी जाएगी, लेकिन कुशवाहा समाज को इसकी ज्यादा जरूरत है। इसलिए जैसे भी हो, कुशवाहा बिरादरी के लोग अपने घर में बंदूक जरूर रखें। नागमणि ने जो बयान दिया है, ये कहां तक सही है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।